एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके कमेंट्स रीड करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत टाइम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनका ना रिप्लाई किसी किसी का दे पा रही थी और बहुत से लोगों का मैं नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में मैं आप सबके रिप्लाई दूं। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले कमेंट से। इसमें लिखा है, इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो आप पेंसिल शार्प, मुझसे तो हमेशा लेड टूट जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आप क्या करते होगे कि आप ना बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते होंगे पेंसिल शार्प करने में। तो वो चीज नहीं करनी है हमें, सिर्फ उसका जो वुड है ना वो उतारना होता है एंड देन हमें सैंड पेपर पे हल्के हाथ से इसको रब करना होता है। ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाएगी। और ट्राई करो कि अच्छे ब्रांड की बाय करो। जैसे मैंने स्ट्रेडलर का बाय किया है ना, तब से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। आप स्केचिंग क्यों नहीं करती हो? देखो मैं स्केचिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, आप मेरे पहले के वीडियोज जाकर के देखोगे ना इंस्टा पे। मैंने आउटडोर इतना ज्यादा वाटर कलर तो नहीं किया है, बट मैंने स्केचिंग बहुत ज्यादा करी है। वाटर कलर मैंने अभी स्टार्ट किया है। वैसे मैं आपको बताया, मैं कलर से इतना ज्यादा फैसिनेट होती हूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कलर्स, मैं क्या बताऊँ। मुझे ना मतलब मन करता रहता है कि मैं कलर करूँ कलर करूँ कलर करूँ। तो बस ये रीजन है। और वैसे मैं स्केचिंग भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्केचिंग छोड़ देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ तो मैं वो चीज खुद भी फॉलो करती हूँ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज आप ये भी बताओ कैसे स्टरलाइट सेट करते हैं घर पे। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो आप जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप मेरे वीडियोस ही नहीं जाकर के देखते हो तो कहाँ से पता चलेगा कि मैं कौन सा वीडियो कब डाल रही हूँ। और मैं हमेशा रिमाइंडर देती हूँ जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, हमेशा मेरी स्टोरी जाती है, बट आप चेक नहीं करते हो। और वही चीजें आप मुझसे कमेंट में आकर के पूछते हो, तो जा करके देखो वो वीडियो और आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, आप वाटर कैसे कैरी करते हो, प्लीज टेल मी। बाय द वे इट्स नाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के अच्छे कमेंट्स पढ़ के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वाटर कलर की बात करें कि वाटर कैसे कैरी करती हूँ, क्योंकि जिस वीडियो पे कमेंट था उसमें मैंने वाटर कलर किया था, तो मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है। तो मैं दोनों चीजें आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं वाटर तो अपनी बॉटल में कैरी करती हूँ, जो भी मैं वाटर पीती हूँ उसी को मैं यूज कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं आप सारी चीजें कैसे कैरी करती हूँ तो वो भी मैं बता देती हूँ। मैं इस बैग में अपनी सारी चीजें रखती हूँ, जो भी मेरे ब्रशेस हैं, वाटर कलर है और मेरी पैलेट है, स्मॉल वाली रखती हूँ मैं पैलेट। और ब्रशेस के बाद मेरे क्लोथ आ जाता है, टिश्यू पेपर होता है, ये सारी चीजें मैं उसमें कैरी करती हूँ। नेक्स्ट कॉमेंट ये है कि टूटी हुई पेंसिल लेड कौन सी साइज की मैकेनिकल पेंसिल में लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको ना सिर्फ एक ऑप्शन बताती हूँ, जिसमें आपकी HB से लेकर के 4B तक सारी एक में लगेगी। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना वो बेस्ट है और बहुत अच्छी मैकेनिकल पेंसिल है वो। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टेडलर की मैकेनिकल पेंसिल की, और ये ना बहुत अच्छी है। मतलब मैं इतने टाइम से यूज कर रही हूँ, मेरी 4B 6B भी मैं लगा लेती हूँ उसमें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो, बढ़िया रहेगा एकदम। ये जो कमेंट है ना, ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, बट मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं इसका रिप्लाई देती हूँ। तो कॉमेंट क्या है, फर्स्ट यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड ड्रॉइंग स्किल्स, देन यू प्रमोट योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, अदरवाइज बिगिनर्स विल इन्फ्लुएंस द रॉन्ग वे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी मैं आपको ना कुछ बताती हूँ तो वो चीज मैं खुद पे ट्राई करती हूँ और खुद पे टेस्ट करती हूँ। मैंने इतने टाइम से जो भी चीजें करी हैं, मैं आपको वो चीजें बताती हूँ और उसका रिजल्ट मिलता है तब मैं आपसे शेयर करती हूँ वो सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा गलत आपको बता रही हूँ या सजेस्ट कर रही हूँ। जिस चीज से मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर बिगिनर ही सही हूँ
ठीक है, तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप पे काम करिए, ना कि मेरे वीडियोस देखिए या मेरी चीजें देखिए, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे कि भारत रत्न दिलवा दूं आपको इतनी अच्छी पेंटिंग के लिए, अगर आप दिलवा सकते हो तो दिलवा दो, लेकिन अभी उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो मुझे ऐसा कुछ मिले। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमेडी टिप्स दे सकते हो आप, कितनी टिप्स दूं मैं आपको। हाँ, मैंने एक पूरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर और आपने वो जा करके देखा ही नहीं है, तो कहाँ से मैं आपको हर बार एक एक कमेंट में टिप्स दूं। तो बेटर है कि जाकर के वीडियो देखो, उसमें मैंने हर तरह की शेडिंग टेक्निक्स आपको बताई हैं। अब आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी पसंद है। तो ये है आज का लास्ट कमेंट और इसमें क्या लिखा है, आउटलाइन बनाना बताएं प्लीज। थोड़ा लैंग्वेज में लिखने में फर्क है, बट इसमें क्या है कि आपको ना आउटलाइन करने की जरूरत ही नहीं है ड्रॉइंग में बच्चों की तरह। मैं हमेशा अपनी जो पेंटिंग्स हैं या शेडिंग है उसको नेगेटिव स्पेस से निकालने का ट्राई करती हूँ। कभी मैंने अपनी पेंटिंग और शेडिंग में स्केचिंग में आउटलाइन नहीं करी है और वो बहुत किडिश लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आउटलाइन करना बताऊं तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, तो मैं उस चीज को भी एक अच्छे वे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने आज बहुत सारे कमेंट्स रीड करे हैं और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि ऐसा कुछ हमने अपने चैनल पे करा ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने आपके कमेंट्स के लिए वीडियोस बनाई हैं और ये कमेंट्स ना बहुत ज्यादा सिमिलर थे, बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। तो चलो फिर ऐसे ही कमेंट्स करते रहना और पूछते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।